नमस्कार तुसी देख रहे हो इंडिया क्राइम न्यूज़ 24। पंजाब दे पिंडां च झोने दी फसल नूं लै के सरकार वल्लों 8 घंटे लगातार बिजली सप्लाई देण दा वादा करके पूरी बिजली सप्लाई ना देण अते घरां दी सप्लाई च लग रहे बिजली कट नूं लै के किसान मजदूर यूनियन माझा पंजाब दे किसान आगुआं अते वड्डी गिणती च इकट्ठे होए किसानां वल्लों कोटली सूरत मल्ली विखे बिजली बोर्ड के दफ्तर का घिराओ किया गया अते किसानां वल्लों ऐलान किया गया कि जब तक बिजली बोर्ड वल्लों बिजली सप्लाई सही ढंग नाल पिंडां नूं ना दित्ती गई उन्हां वल्लों बिजली बोर्ड के वख-वख दफ्तरां का घिराओ किया जाएगा। पत्रकार विक्की मलिक की रिपोर्ट। मैं जसविंदर सिंह चंदूसूजा पंजाब कन्वीनर किसान मजदूर यूनियन माझा अज जिहड़ा इकट्ठ किया असीं पंजाब राज बिजली बोर्ड के धरना दिता वा ये जी 8 घंटे साड़ी सप्लाई आ ये निर्विघन नहीं दे रहे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे सप्लाई दे रहे अज किसान जिहड़े सारे इकट्ठे होए आ ये मंग करन आए भी जिहड़ी निर्विघन सप्लाई साड़ी 8 घंटे बनती आ वो सानू दित्ती जाए फिर अभी वड्डे पद्धर से जो रोड प्रदर्शन है रोडों का खड़ा हाईवे जाम करा बिजली बोर्ड से पक्के अं धरने लावे जिन्ना चर सप्लाई 8 घंटे नहीं आती इन्हें अं खड़ा नहीं छड़ा। मैं मोहतम सिंह वधीक निगरान इंजीनियर देहाती मंडल बटाला पावरकॉम डिपार्टमेंट तो इतने अपने सब डिविजन कोटली सूरत मल्ली च ये जो सूचना मिली मैनू कि अज किसान भरावां वल्लों एक रोस मुजाहरा किया जा रहा या धरना दिता जा रहा तो वो संबंध में मैं इतने पहुँचा तो कि किसान भरावान अपनी बिजली की जी इस वे स्टेटस है ज पोजिशन जिस तरह चल रही है वो बारे जाणू करवाया जा सके। मैं आप जी के चैनल राही दसना चाहना कि इस वे जो 250 लाख यूनिट का जो गैप आ डिमांड तो जनरेशन दे विच उन्नू पूरा करन दे लई ही कट लग रहे हैं क्योंकि वो जो गैप आ एक साडा तलवंडी साबो जिहड़ा प्राइवेट प्रोजैक्ट हैगा उहदे विच थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है राजपुरे का भी एक यूनिट जिहड़ा वो बंद पिया सो ये टैंपरेरी समस्या अधिकारी जां उपरलियां हायर अथॉरिटी जिहड़ियां ने पूरी पुरजोर जोर ला रही ने कि ये जिहड़ी समस्या इहनू दूर कर दिता जाए तो आने वाले समय के जल्दी ही ये जिहड़ा कट खत्म हो जाएगा।